आज हमारे बीच वर्तमान बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय सर आ चुके हैं। एक जोरदार ताली के बीच हम अपने सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप स्वागत करिएगा। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ सर का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप हमारे बीच आए, हम सब इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आए, अपना आशीर्वचन हम युवाओं को आप प्रदान करें। आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, एक बार करतल ध्वनि से। और दूसरी, आप नौजवानों से मैं अनुरोध करूंगा, ये थोड़ा देर के लिए अपना मन हमको दे दीजिए, क्योंकि पहली बार मुझे जीवन में ऐसा मौका मिला है कि मैं ऐसे नौजवानों के बीच हूँ जहाँ जो मेरे दिल में है वो बात कही जा सकती है। आपका, जैसा मनीष जी ने बताया, व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला भी हुई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये क्या होता है, पर्सनालिटी क्या है, ये व्यक्तित्व क्या है? अब देखिए, हम जो आदमी को देखते हैं, किसी को भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अब कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये बाह्य व्यक्तित्व है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आउटर पर्सनालिटी। ये बाह्य व्यक्तित्व है और इसका महत्व है संसार में और संसार की व्यवस्था में। इस बाह्य व्यक्तित्व का भी महत्व है, लेकिन ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, असली व्यक्तित्व भी नहीं है। स्वरूप की बात करेंगे तो थोड़ा और भीतर गहरी बात हो जाएगी, मैं उतनी गहरी बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसी बात करना चाहता हूं जिसका आपके व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग हो, जिसको आप जीवन के कदम कदम पर अपने भविष्य को संवारने में, सजाने में, समाज को सुंदर बनाने में उपयोग कर सके, उतनी ही बात करूंगा। बातें तो और हैं, बहुत गहरी। तो ये हमारा कह रहा था कि बाह्य व्यक्तित्व है, तो भाई असली क्या है? बहुत असली बात पर जाओगे तो हम शुद्ध आत्मा हैं, सोल हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम सोल, ईश्वर के अंश। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव माने आत्मा, अविनाशी सहज अमल चेतन सुखराशि। इतने विशेषण हैं, जीव के विशेषण हैं ये, हम ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर में जो गुण हैं वो हम में भी होने चाहिए। सोना एक क्विंटल का हो या एक तोला हो, क्वांटिटिव अंतर हो सकता है, मात्रा का अंतर हो सकता है, क्वालिटेटिव अंतर तो नहीं होगा, गुणात्मक अंतर तो नहीं होगा। चीनी एक बोड़ा हो या एक चम्मच हो, मात्रा का अंतर हो सकता है, गुण का अंतर तो नहीं होगा, स्वाद का अंतर तो नहीं होगा। जो बोड़े की चीनी में स्वाद है, वही स्वाद एक चम्मच चीनी में भी होगा,
होना चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या मनुष्य है? तो ईश्वर चेतन है, सहज है, अमल माने विकार रहित है और सुखराशि आनंद का स्वरूप है, केवल आनंद है वहां। ये स्वरूप है आत्मा का, ईश्वर का। और हम कहते हैं कि हम सोल हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखता भाई, हमें तो विकार ही विकार दिखता है। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, अज्ञान। ये सब विकार ही दिखते हैं। सहज तो हम हैं ही नहीं, विकार रहित हम हैं ही नहीं। एक चीज दिखता है कि चेतन जरूर है। देखो, अध्यात्म इतना कोई रहस्य की चीज नहीं है, मैं बहुत देसी भाषा में बताता हूं। ये मोटी बुद्धि से सामान्य आदमी समझ सकता है कि हम शरीर नहीं है। मेरी एक बांह काट दो तब भी हम हैं, दो बांह काट दो तब भी हम हैं, भले कोई लुल्हा कहेगा। एक पैर काट दो तब भी हम हैं, दो पैर काट दो तब भी हम हैं, कोई लंगड़ा कर सकता है, लेकिन हमारा अस्तित्व तो फिर भी है। एक कान काट दो तब भी हम हैं, दोनों कान काट लो तब भी हम हैं, एक आंख फोड़ दो तब भी हम हैं, दोनों आंख फोड़ दो तब भी हम हैं। तो इतना तो समझ में आता है कि हम पैर नहीं हैं, क्योंकि पैर नहीं है तब भी हम हैं। हम हाथ नहीं है, क्योंकि हाथ नहीं है तब भी हम हैं। हम आंख भी नहीं है, क्योंकि आंख फोड़ दो तब भी हम हैं। लेकिन पैर भी ना काटो, हाथ भी ना काटो, आंख भी ना फोड़ो, सब अंग ऐसे ही है। उसमें से कोई एक चीज निकल जाती है तो हम नहीं हैं। ये शरीर मिट्टी का हो जाता है, इसको दफनाना पड़ता है या जलाना पड़ता है। सब तो है, वो आंख भी है, कान भी है, लेकिन जैसे वो चीज निकलती है ना, ये आंख काम करना बंद कर देती है, कान अपना काम करना बंद कर देता है, जो पांचों हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं सब काम करना बंद कर देती है। वो कौन सी चीज है जिसके चलते आंख देख रही है, जिसके चलते ये कान सुन रहा है, जिसके चलते त्वचा को स्पर्श का अनुभव होता है? तो ये क्या चीज है? तो हम शरीर तो हैं नहीं, हम शरीर से इतर ही कुछ हैं। और जहां से ये सोच शुरू होती है, उस चीज की खोज शुरू होती है, हम कौन हैं, यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है और यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और अध्यात्म कुछ नहीं, हम जो हैं, ये जो दिख रहा है, ये हमारा आउटर पर्सनालिटी है। इनर पर्सनालिटी क्या है? अब आत्मा अंतिम लेयर है, वहां छोड़ दो। ये हमने कपड़े पहने हैं तो कपड़े के पहले बनियान भी पहना होगा, गंजी बनियान ये सब पहना होगा शरीर के ऊपर, फिर पैंट पहना, फिर शर्ट पहना, फिर जैकेट पहना, फिर ऊपर से ये कोट डाल लिया। उसी तरह से हर आत्मा के ऊपर आवरण है अंतःकरण चतुष्टय का। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसके ऊपर आवरण है। ये सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, ये बताने की जरूरत नहीं। इतना संस्कार तो गायत्री परिवार से आपको प्राप्त हुआ है, आप जानते हैं। सूक्ष्मात सूक्ष्म, उससे थोड़ा स्थूल लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है वो अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको कहते हैं दर्शन की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय। आत्मा के ऊपर ये अंतःकरण चतुष्टय का आवरण है, उसके ऊपर इस शरीर का आवरण है, ये तीन आवरण है। ये तीनों को समझने का प्रयास ही अध्यात्म है। तो हमारी सारी दुनिया में जितने विवाद हैं वो इसलिए हैं कि शरीर से भीतर तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, हमारी सोच नहीं जाती।
बस, और उसके भीतर जाती है तो दूसरे अंतःकरण चतुष्टय है, यहाँ तक हम उलझ के रह जाते हैं। उसके बाद तो जाने का रास्ता भी अलग है, उसके लिए विभिन्न साधन पद्धतियाँ हैं, वो अलग तरीका है। तो हमारे काम की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पर्सनालिटी दिखती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या बताया जाता है बोलो, जो आज मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? आपकी आउटर पर्सनालिटी पर फोकस है और कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपको बताए जाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे तरीका करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार रखना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, बस। कॉलेज विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट की पढ़ाई इतनी है। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? असली मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट होगा तब पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का मतलब है आदमी की चेतना का विस्तार होना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास का मतलब है आदमी की चेतना का विस्तार हो, उसकी दृष्टि व्यष्टि से समष्टि को प्राप्त हो। यह कैसे होगा? कहां काम करेंगे? काम कहां करना होगा? यह आउटर पर्सनालिटी की एक सीमा है, वो उसका एक साइंस है, उसका आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसके हिसाब से वो आपको प्राप्त हुआ है। उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको 4 फीट का शरीर दिया तो किसी तरीके से उसको 6 फीट नहीं कर सकते, और आपको डार्क कलर दिया है, काला रंग दिया, तो चाहे जितना क्रीम पाउडर और सैलून ब्यूटी पार्लर में जाइए, अफ्रीकन कभी ब्रिटिशर की तरह हो जाएगा? लेकिन दुनिया का व्यापार कैसे चल रहा है? एक एक आइटम का फेयर एंड लवली लगाओ और सारे दाग मिटाओ। क्रीम लाओ, पाउडर लगाओ, ये लगाओ, महकने के लिए वो क्या बोलते हैं, हाइट जाइट सूट काइट पैंट टाइट। बाहर कितना फोकस है, एक डिजाइन का पैंट, वो डिजाइन का। पहले एक चलता था हम लोग जमाने बॉल बॉटम, बेल बॉटम, ऊपर पतला नीचे जाकर इतना चौड़ा हो जाता, याद होगा गुरु जी? तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं, किस तरह के कपड़े सिनेमा में, जगह पूरा फोकस बाहर है, भीतर फोकस नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिस अंतःकरण चतुष्टय की हमने बात की, तो व्यक्तित्व निर्माण का मतलब है मन और बुद्धि के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना। आप देखो, पहले तो समझ लो ना बीमारी क्या है, दवा तो उसके बाद होगी। पहले हम समझे तो कि हमारे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, हम ईश्वर जीव अविनाशी हैं तो इतनी छटपटाहट क्यों है, इतने हम स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, इतने तनाव में क्यों रहते हैं, आपस में जात का झगड़ा क्यों है, मजहब का झगड़ा क्यों है, आपस में एक दूसरे को चीरने फाड़ने को तैयार रहते हैं आदमी, पेशेंस नहीं। तो उसके लिए समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मन और बुद्धि को केवल हम समझ जाएं
और उस पर हम काम करना शुरू कर दें तो चेतना का विस्तार होने लगता है, और फिर आगे थोड़ी साधना करेंगे तो और मन सूक्ष्म होता है, चेतना का और विस्तार होता है। मन और कुछ नहीं है, ज्यादा गंभीर बात नहीं करूंगा, मैंने पहले कह दिया, उतनी ही बात करूंगा जिसका रोज आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकें और देख सकें। जिससे अचानक अगर मिल बात को आपने ध्यान से सुन लिया और उसको आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और इतनी तेजी से आएगा कि साल भर के बाद आपको खुद आश्चर्य होगा कि आप क्या से क्या हो गए। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, मन कुछ नहीं है, मन विचारों के प्रवाह को कहते हैं। विचारों का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। जैसे आप यहां बैठे हैं शरीर से, ये ठीक है। अब बताइए, किसी की मां हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसके हार्ट का ऑपरेशन आज रात में 10 बजे होना हो, और किसी कारणवश किसी परिस्थिति बस यहां बैठा हो, वो मेरी बात को ध्यान से सुन सकता है? किसी के घर में और कोई ऐसी बात हो, उसका शरीर यहां रहेगा, मन यहां नहीं रहेगा। मन विचारों के प्रवाह को कहते हैं, और ये मन है ना, हमेशा रैम्बल करता रहता है। वरीज ऑफ द पास्ट, या तो भूत की चिंता करेगा या भविष्य की कल्पना करेगा, ये वर्तमान में ठहरता ही नहीं है। इसको ठहराने की कला जो सीख गया आदमी, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और उसको कहते हैं ध्यान। कॉन्सेंट्रेशन और डीप कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो ध्यान हो गया, और डीप ध्यान हो गया तो समाधि हो गई। कॉन्सेंट्रेशन ही डीप हो गया तो मेडिटेशन हो गया, और मेडिटेशन की गहरी अवस्था का नाम ही समाधि है। ऐसा कोई अजूबा चीज नहीं है ये। तो मन विचारों के प्रवाह को कहते हैं। विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब देखो, बड़ा भयानक है, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ा फोर्स है। इसको आप मित्र बना सकते हैं, शत्रु बना करके इसका आप इससे जीत नहीं सकते। गीता में अर्जुन ने भगवान से संवाद किया और भगवान ने कहा, मई मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय। और भगवान ने जब मन को समर्पण करने के लिए कहा, मन दे दो, मन को रोक लो, अर्जुन जैसा ऊंचे दर्जे का साधक ये कह रहा है कि हवा को बोलिए तो मैं रोक सकता हूं। सोचो, हवा को रोकना आसान है क्या? अर्जुन कहता है, मैं हवा को रोक सकता हूं, ये काम मेरे लिए आसान है, मन को काबू में करना ये मेरे बस की बात नहीं। अब समझिए, दुर्योधन को समझाया गया, भाई 5 गांव ही तो मांग रहे हैं पांडव, हैं तो आधे के हिस्सेदार, कर रहे हैं 5 गांव में संतोष कर लें, दे दो, पूरी पृथ्वी पर राज्य करो, 5 गांव दे दो। कहा, नहीं, सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। कृष्ण भी समझाने गए, खुद भगवान समझाने गए। जो एक लाइन उसने बोला वो जीवन का मंत्र होना चाहिए। देखिए, यहां से मैं बात को उठाता हूं। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा, जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं जानता हूं। अब देखिए, अब ये दुर्योधन हमारे आपसे थोड़ी ऊंचाई पर है,
हमें तो ये नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहता है कि मैं ये जानता हूं, मुझे प्रवचन नहीं सुनाइए, मुझे शास्त्र नहीं सुनना है, शास्त्र मैंने भी पढ़ा है, मुझे मालूम है, जानामि धर्मम, जानता हूं मैं। तो भगवान ने कहा तो मानते क्यों नहीं। कहा नच में प्रवृत्ति, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और सुनिए भगवान एक और बात है, जानामि अधर्मम, अधर्म भी क्या है वो जानता हूं। नच में निवृत्ति, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं क्या पाप है लेकिन अपने को रोक ही नहीं पाता। मैं जानता हूं क्या पुण्य है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। ये स्थिति है हम लोगों की, हम जानते हुए गलती करते हैं, जानते हैं कि ये गलत है। और एक बात गलत सही का निर्णय में बता देता हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात। जिस काम को आपको मां से, बाप से, बंधु से, मित्र से, समाज से, सरकार से, सत्ता से, शासन से, दुनिया से छुपाने की जरूरत महसूस होती है ना, वो सब गलत है, अधर्म है, पाप है। कोई भी काम करते हो ये मन में डर रहता है ना कि कोई दूसरा ना जाने, समझो कि गलत कर रहे हो। और कोई कोई दूसरी परिभाषा की जरूरत ही नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जिस काम को किसी से छुपाने की जरूरत पड़े और भय हो कि दूसरा कोई जान न ले, समझो कि गलती हो रही। दुर्योधन ने भी कहा कि ना 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 ना, सुनिए हमको प्रवचन मत दीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पंडों को दे देना चाहिए, भाई हैं तो आधे के हिस्सेदार हैं, उचित यही है, धर्म यही कहता है, आधा दे दो, ये सब हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है, हमारी समस्या का निदान करो। मेरा जो प्रॉब्लम है उसका, मेरी जो समस्या है उसका समाधान करो। भगवान पूछा कि क्या समस्या है, कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे मालूम है कि ये गलत है फिर भी मैं कर देता हूं, और जानामि अधर्मम, ये जानता हूं कि पाप है फिर भी मैं कर देता हूं। अजानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, अच्छा काम यही करना चाहिए, धर्म का पथ यही है लेकिन उधर जाने का मन ही नहीं करता। अब देखो ये विचारों का प्रवाह ऐसे चलता है, तो मन में हर तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं खराब भी आते हैं, सतोगुणी उसको दर्शन की भाषा में कहते हैं, रजोगुणी विचार, तमोगुणी विचार, सतोगुणी विचार, ये विचारों का प्रवाह चलता रहता है, आंधी की तरह चलता रहता है। अब ये इतना खतरनाक है, ये मन ऐसे है ना जैसे चौड़ी सड़क पर, हाईवे पर 100 की स्पीड में बिना ब्रेक की कार चल रही हो। अब बताओ सामने से अगर दूसरी कोई कार आ जाए और गाड़ी में ब्रेक ना हो क्या होगा, बोलो आप। मन ऐसे ही है, बिना कार की, बिना ब्रेक की कार की तरह, स्पीड इसकी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो ईश्वर ने हमारे अंदर एक दूसरा यंत्र फिट कर दिया, ये उस यंत्र का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? ये इंस्ट्रूमेंट फिट इसलिए किया कि मन को ये गवर्न करेगा। किसलिए किया? ये मन को गवर्न करेगा, मन को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरा मशीन भीतर फिट किया जिसका नाम बुद्धि है। मन हमारे इंद्रियों को गवर्न करता है, हमारी इंद्रियों को आदेश देता है। मन जो आदेश देता है इंद्रियां उसका केवल पालन करती हैं। बात समझ रहे? आप यहां क्यों आ गए? देखो कोई कर्म कैसे संपादित होता है, पहले बीज रूप से विचार आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो विचार संकल्प में बदलता है,
और जब संकल्प में बदलता है तो आपके इंद्रियों को आदेश करता है, फिर वह जगत में दृश्य कर्म के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे आपका मन किया यहां चलने का, आने का, कि आज वहां चलना है, डीजीपी साहब आ रहे हैं, तो जैसे आपके मन में विचार आया तो दो तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, अनुकूल परिस्थितियां। एक अनुकूल परिस्थिति हो गई, चार और लोग आ गए कि अरे डीजीपी साहब आ रहे हैं, वहां चलना है, ये परिस्थिति अनुकूल हो गई। तब तक पांचवा कोई आदमी आ गया, कहा मेरे पास एक कार भी है, पांचों आदमी बैठ सकते हैं, और परिस्थिति अनुकूल हो गई कि चलो ये तो रिक्शा भाड़ा भी नहीं लगा, फिर फोकटेगा चलना है। ये सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई, तब तक छठा एक आदमी आया, कहा एक और सीट है क्या? कहा एक और सीट तो खाली है। कहा अरे हम सुने हैं वहां भोजन की भी व्यवस्था है, तो और अनुकूल परिस्थिति हो गई। ये सब परिस्थितियां अनुकूल होती गई, तो आपके मन में जो बीज रूप में विचार आया था कि हमको गायत्री मंदिर में चलना है, वो संकल्प के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये विचार दृढ़ हो गया, दृढ़ हो गया तो इसने आपके इंद्रियों को, आपके पैर को आदेश दिया, मन आदेश किया, चलो बैठो गाड़ी में। अरे वहां तो जो होगा सो होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम ऐसे कर्मों का संपादन आता है, आप समझ गए। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो विचार आया चलना है, और तब तक तुरंत सूचना आ गई आपका भाई बीमार है हॉस्पिटल में, उसको हार्ट अटैक हुआ, ये परिस्थिति प्रतिकूल हो गई, विचार आया चलने का, लेकिन ये संकल्प में नहीं बदलेगा और कर्म के रूप में अभिव्यक्त नहीं होगा। अब आप जाइएगा हॉस्पिटल, आप बात समझ रहे हैं? तो विचार तो आते रहता है, सब विचार कर्म के रूप में बाह्य जगत में अव्यक्त नहीं होते, समझ गए बात आप? तो विचार जैसे आया तो आपको पहचानना होगा कौन तमोगुणी विचार है, कौन रजोगुणी विचार है, कौन सतोगुणी विचार है, कौन ऐसा विचार है जो जीवन में हमको आगे ले जाएगा, जिससे मेरी चेतना का विस्तार होगा, व्यक्तित्व का विस्तार होगा, लोक का कल्याण होगा। उस विचार को संकल्प रूप में बदलना है, लेकिन जैसे विचार निगेटिव आया, ये विचार हमारी चेतना को गिराएगा, लोक कल्याण के विरुद्ध है, लोक मर्यादा के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। वो विचार जैसे आया, उस विचार को काटने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर ही ईश्वर ने फिट किया है, जिसका नाम तुरंत बुद्धि से उसको लड़ा दीजिए, नहीं ये काम नहीं करना। देखो 80 साल की मेरी बूढ़ी माँ है, कोई बिला वजह आए उसको गाली दे, अपमानित करे, अब मेरा तो मन करता है कि मैं उसको गोली मार दूं, ये मन करता है, लेकिन भीतर से कोई रोकता है, गोली मारोगे मुकदमा होगा, जेल जाओगे, नौकरी जाएगी, भारी लफड़ा है, बर्दाश्त कर लो। अच्छा एक बात बताओ, सब मेरे भाई बेटे की तरह हो, अगर यहां तुम मेरा प्रवचन भाषण सुन रहे हो, अब बगल में पता चल जाए यहीं नीचे कि सलमान खान कटरीना कैफ आ गई है, समझो विषय की गहराई को समझो, तुम्हारा मन यहां रहेगा, बोलो मन कहां चला जाएगा? तुरंत कटरीना कैफ को देख ले, सेल्फी ले ले, ये मन है, यही मन है, और पूरी दुनिया में जो उपद्रव है इसी मन के कारण है, आप समझो। आप तो देखो एक पराठा, देखो सब सब जिलों के लोग होंगे, पराठा में चार लेयर होते हैं, मां बहने पराठा घर में बनाती हैं पराठा। पराठा पर जीभ में पानी आ गया, इसके साथ हम राबड़ी रसमलाई जोड़ दें तो आधे लोगों को, लेकिन आप ये जान जाइए यहां पराठा राबड़ी खीर पूड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। पराठा में कितने लेयर होते हैं बोलो बोलो? चार। अब देखो ऊपर वाला जो फर्स्ट लेयर है ना, ये बहुत दर्शन की गंभीर चीज को, शास्त्र की चीज को मैं एकदम देसी ठेठ समझने वाली भाषा में प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूं, समझने के लिए आसानी के लिए। ये पराठा का पहला लेयर मन है, तो मन में का चरित्र क्या है? डिजायर करना, अनंत इच्छाएं हैं इसमें,
सारे हमारे इमोशंस को स्टोर करके यही रखता है, प्रेम है, घृणा है, नफरत है। सज्जन अटैचमेंट, अटैचमेंट जिस बात पर दूसरे से आपको गोली चल सकती है, वही बात मुस्कुराते मुस्कुराते आप घर में सुन लेते हैं। इसमें से कोई शादीशुदा है क्या? वो मेरी बात अच्छी तरह समझेगा। और देखो, हम लोग बचपन में लिखते थे चिट्ठी, तो लिखते थे थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। अब सब बात मैं खोल कर समझा नहीं सकता, तुम समझ जाना। अरे कोई ऐसा मर्द है जिसको अपनी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ हो? बताओ। ओ शादीशुदा, वो हाथ उठा रहा है कि हमको नहीं। देखो मजाक मजाक में बहुत गहरी बातें कहता हूँ, चेतना को उठाने वाली बातें कहता हूँ। मैं आपके मन को बटोर रहा हूँ कि मेरी बात को सुनने में आपका इंटरेस्ट हो। अब हमने बोला कोई ऐसा मर्द है जिसको बीवी से झगड़ा नहीं हुआ, तो हाथ उठाते पीछे से हम हैं। तो तुमने मजाक में हाथ उठाया मेरे बेटे, तो मैं भी एक बात कहता हूँ, जिस मर्द को अपनी बीवी से झगड़ा नहीं कभी हुआ वो मर्द है ही नहीं। झगड़े होते हैं भाई, झगड़े होते हैं, बाप बेटे में भी झगड़े होते हैं, पति पत्नी में भी झगड़े होते हैं। अच्छा ये बताओ, बाप बेटे में, भाई भाई में झगड़ा होता है तो, झगड़ा होता है तो क्या भाई, अपवाद की बात छोड़ दो, तो झगड़ा होता है तो भाई भाई का गला काट देता है? बीबी से झगड़ा होता है तो क्या तलाक देकर दूसरे दिन दूसरी शादी कर लेते हो? झगड़ा होता है। तुमने खाना छोड़ दिया, आज मैं नहीं खाऊंगा। अब बीबी अगर भाग्यवती है, लक्ष्मी है, पतिव्रता है, तो पति ने नहीं खाना खाया तो वो कैसे खाएगी? तुमने खाना नहीं खाया तो वो बोली कि मैं भी नहीं खाऊंगा। अब रात भर नहीं खाया तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, सवेरे उसको भी भूख लगी है, उसको भी भूख लगी। अब पति झुकता नहीं है, ये तो माताएं हैं हमारी ना, हमें ना, इसीलिए कहता हूं जहां क्षमा है वहां नारी है, जहां दया है वहां नारी है, जहां करुणा है वहां नारी है, जहां सेवा है वहां नारी है, जहां त्याग है वहां नारी है, जहां करुणा है वहां, जहां नारी शक्ति है, मात्र शक्ति है ना, ये न रहे ना तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा संस्कार नहीं रहेगा और हमारी ये परंपरा ध्वस्त हो जाएगी। माताएं ही बचाती, इन माताओं ने बचा करके रखा है धर्म को, संस्कृति को, संस्कार को सहेज कर रखा हुआ है। पत्नी कैसे सवेरे भी नहीं खाएगी? और पति तो बड़ा अहंकारी होता है, वो कभी नहीं कुछ बोलेगा, वो रूठे मनाना पत्नी का काम है, सवेरे फिर जाएगी खाना बना कर, आ खा लीजिए ना, गलती हो गई, नहीं नहीं खाऊंगा। अब वो भी नहीं खाई दिन भर, लेकिन शाम तक तो प्राण उसका भी निकल रहा है, प्राण उसका भी। अब शाम को पत्नी थोड़ा सा बोली, अच्छा ठीक है, कब तक नहीं खाइएगा देखते हैं। होशियार पत्नी रहेगी तो किचन में जाके दो पराठा चबा लेगी। अब आप तो खाए नहीं है, अब वो अब देख रहे कि कितना दिन भीतर जाके अपना कुछ कुछ कर रही है। अब शाम होते होते तो आपके प्राण निकलने लगे भाई, अब आप सोच रहे हैं कि एक बार और आके बोले। एक बार और आके बोले तो मैं खा लूंगा, अब वो बोल ही नहीं रही है। अब उसका ध्यान, अब वो आपके कमरे में अभी नहीं रहे, उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप खूब खांस रहे हैं कि तबीयत खराब का बहाना सुनकर के भी आएगी, लेकिन वो भी समझ रही है, वो और महटियाए हुई है, बल्कि बेटा को बोले कि जाके देख लो पापा को कुछ खांसी वांसी हुई तो दवा दे दो, और पापा को तो भूख से खांसी आ रही है। तो अंत में बेटा गया, क्या तबीयत खराब है? नहीं,
आपको तो नहीं, तुम जाओ, हमको किसी से मतलब नहीं है। वो समझ गई कि इनका हालत पंचर, तब उधर से रोटी पराठा लेकर के आई थाली में, अब खाइएगा। हाँ रख लो तुम, लेकिन जाओ। अब किसी से कहना मत, ये मैं अपनी ही कहानी सुना रहा था। खूब जोर से हंसो, खूब जोर से हंसो। देखो ये चेतना का लेवल है, मन में अटैचमेंट है कि चाहे जो भी हो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तो उसकी गलत बात को भी हम बर्दाश्त करते हैं। थोड़ा देर के लिए मन को झटका होता है, तकलीफ होता है, फिर भी अपना बेटा आवारा भी हो जाए, उसके प्रति दर्द कम नहीं होता। ये अटैचमेंट कहाँ रहता है? मन में। घृणा ये कहाँ रहती है? मन में। तो मन में सारे इमोशंस जो होते हैं, पॉजिटिव या, ये सारे इमोशंस रहते हैं कहाँ? बस मन में जो निगेटिव इमोशंस हैं उसको पहचानना है, क्योंकि ये निगेटिव इमोशंस आपको कर्म में ले जाएंगे। ज्यादा आपके अंदर निगेटिव इमोशंस होंगे तो मन में इतनी ताकत है, उतना इंद्रियों का आदेश देगा, अरे मेरी मां को गोली मार दिया, मेरी मां को गाली दे दिया, इसको गोली मारो। और मन के कहने पर अगर इंद्रियां फंक्शन करने लगी और इंटेलेक्ट का, बुद्धि का उस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तुरंत आदमी हत्या कर देगा। कर देगा कि नहीं, बोलो। और जिसका इंटेलेक्ट मजबूत है, जिसकी बुद्धि मजबूत है, तो मन में निगेटिव इमोशंस आए लेकिन तुरंत वो इंटेलेक्ट से कंट्रोल, नहीं ये उचित नहीं है, ये शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ है, कानून की मर्यादा के खिलाफ है, सामाजिक मर्यादा परंपरा के खिलाफ है, ये काम नहीं करना है, रुक जाओ। तो अगर बुद्धि मजबूत है, इंटेलेक्ट पावरफुल है, तो गवर्न करेगा मन को, तुरंत कंट्रोल करेगा मन को। जब कंट्रोल कर... अच्छा एक बात बताओ, खूब भूख लगी, मेरी बात में आनंद आ रहा है? अच्छा खूब भूख लगी है आपको, प्राण जा रहा है, चार दिन से भूखे हैं, और सामने अचानक कोई राबड़ी मलाई रसगुल्ला ले आके रख दे, जैसे रखेगा मन तुरंत इंद्रियों का आदेश देता है, टूट पड़ो। ये सही बात है कि नहीं, बोलो। अच्छा अभी हम बोलें कि नीचे राबड़ी पूड़ी का इंतजाम है, कैसा लगेगा? मन तुरंत इंद्रियों का आदेश देगा कि टूट पड़ो, चार दिन से भूखे हो, खाओ। और इंद्रिया माने हमारे हाथ वहां एकदम तुरंत भूखे शेर की तरह, और तुरंत कोई बोला कान में आके धीरे से बोल दे, अरे इसमें जहर मिलाया हुआ है। मन कर रहा कि इसको खाना है, मन ने इंद्रियों का आदेश दे दिया, हमने रसगुल्ला और चम्मच उठा लिया, होंठ तक लाए, लेकिन तुरंत कान में एक इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब देखो बड़ी, देखो कैसे कलाबाजी है, ये सत्यापित सूचना नहीं है, इसकी कोई, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि उसमें जहर मिलाया हुआ है, और जो व्यक्ति आपको सूचना दे रहा है वो भी आपका विश्वसनीय नहीं है, वो होटल का ब्यौरा है जिसको आप नहीं जानते, कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे वो बोलता है कि हजूर मत खाइए इसमें जहर है, और खाते ही मर जाइएगा, जैसे ये सूचना आती है इंटेलेक्ट बुद्धि खट से डिसीजन लेती है, और वो सूचना तुरंत ईगो अहंकार जो है ना वहां तुरंत ये ट्रांसमिट करती है, और तुरंत आई एम अंडर थ्रेट, ये ईगो है अपने अस्तित्व का बोधना, माय लाइफ इज अंडर थ्रेट। तुरंत अहंकार ने कहा है तुम्हारे जीवन को खतरा है, बुद्धि ने कहा है रुक जाओ, मन ने कहा इंद्रियों का है नीचे रख प्लेट, रख 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 रख। आप समझ गया? अब देखो बैंक डकैती करने डकैत जाता है, अगर उसको मालूम है कि हम जा रहे हैं, वो क्यों डकैती करता है?
वो समझता है हमारे पास पैसा होगा हमको इससे सुख मिलेगा, आनंद के लिए जाता है। आप जो काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, अच्छा काम बुरा काम पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, आपको तलाश एक ही चीज की है। तलाश एक चीज की है, आनंद की। लेकिन परसेप्शन गलत है, आपको लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो आनंद आएगा, ज्यादा पावर हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। बहुत आदमी जो शादीशुदा नहीं, सोचता है कि शादी होगा तो बहुत आनंद आएगा। और शादी होने के बाद बीबी अगर लक्ष्मी बाई मिल गई तो, जैसे हमारी पत्नी रोज हमको बहुत आनंद देती है, ये मन को जो कंट्रोल करना है। तो देखो, सफल आदमी में असफल आदमी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बेसिक एक बात का फर्क है, जिस आदमी ने अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से मन को गवर्न करना सीख लिया, मन पर लगाम डालना सीख लिया, मन अगर इंटेलेक्ट को चलाने लगा, इंद्रियों को डायरेक्ट ऑर्डर करने लगा। अच्छा देखो, यहां खूब कोठी बंगला घर अटारी बिजनेस व्यवसाय सब है, आप लंदन में रहो, यहां मैनेजर बना के जाओ, और कभी भेंट मुलाकात बातचीत आना जाना आपका नहीं रहो, तसली मालिक वो बन जाएगा कि नहीं? आइएगा 10 साल के बाद कहेगा कि आपका परिचय। उसी तरह से ये मन है, मन को 24 आवर्स नहीं, ईच एंड एवरी सेकेंड वॉच में रखना है। बस जो आदमी जिस डिग्री तक मन पर नियंत्रण करने की कला सीख लेता है, वो आदमी उतना ऊंचा हो जाता है। बस यही बात है। ये देखो, मैं जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव से बात समझाता हूं अध्यात्म की, क्योंकि उतना दर्शन में जाऊंगा तो आप समझने, आपको रुचि भी नहीं है कि, इसलिए मैं हंसाते हंसाते। अब एक बात मैं बोल के जाता हूं, तुम सोचना, बोल दूं क्या? 10 मिनट और सुन सकते हो। एक IAS बनने में, IPS बनने में कितना मेहनत है बताओ? 25 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, रात दिन तक पढ़ता है आदमी, और 20-20 लाख लोग बैठते हैं, 100-150 कोई होता है, बहुत कोशिश करके नहीं होता है। 20 लाख में से अगर 100 आदमी होता है, ये 100 आदमी IPS, तो कितनी कठिन परीक्षा है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में किसी ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा कहीं नहीं, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में ब्यूरोक्रेसी में एंट्री के लिए इतनी कठिन परीक्षा नहीं है। आप जान जाइए कितनी असंभव चीज है। और 25 साल मेहनत करके YS बना, जिला में कलेक्टर हुआ, 5 साल की नौकरी नहीं हुई, हम अपने जिले की बात कर रहे हैं, बक्सर जिले की, और कलेक्टर वीडियो बना करके कि जीवन से हताश हूं, निराश हूं, और जाके ट्रेन में गर्दन देकर कट करके आत्महत्या कर लेता है। क्यों? पर्सनालिटी से मैंने बात शुरू की थी। देखो, इंटेलिजेंस तो बहुत उसके पास है, थ्रू वेरियस सोर्सेज, आप इंटेलिजेंट हैं तब ना आपने इतनी कठिन परीक्षा प्राप्त करी, लेकिन आपका इंटेलेक्ट बहुत कमजोर है। इंटेलिजेंस है, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, जिस विषय से आपने प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया उस विषय को भी जानते हैं, वो सब इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का संतुलन, मन संतुलित विकास नहीं हुआ है, आपका इंटेलेक्ट बहुत कमजोर है, आप स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते हैं लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज बेटों या बेटियों, ये सुन लो, सबसे महत्वपूर्ण लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने अंदर निगेटिविटी नहीं आने दें। ये कला जिसने सीख लिया, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, हताश नहीं हो सकता, निराश। नहीं तो बड़े बड़े नामी इंजीनियर आत्महत्या कर लेते हैं, डॉक्टर्स आत्महत्या कर लेते हैं,
आईएएस आईपीआई एक यहां पटना का आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रैंक में 3 साल पहले हमारा मित्र हमारा बैचमेट केरला काडर का नाम रखना अच्छा नहीं लगता यहां पटना पाटलिपुत्रा कराने वाला केरला काडर था बाद में उत्तर प्रदेश हो गया था पत्नी भी आईएफएस में है और उसने 3 साल पहले खुद आत्महत्या कर ली चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिस तो सोचिए ये क्यों होता है क्योंकि जीवन में सत्संग की कमी आ गई सकारात्मक विचार की कमी आ गई मन के स्तर पर सब कोई जी रहा है और मन के स्तर पर बड़ी झंझट है इतने तनाव है इतने विवाद हैं खाली स्नो पाउडर करके कंघी झेक करके और लड़की पर सीटी मारते हुए चल रहे हैं 15-16 साल के लड़के ये हीरोइन खाना गांजा खाना शराब बंदी की बात मनीष जी कर रहे थे आनंद अरदिन मनीष जी देखो शराब स्मैक हीरोइन गांजा भांग चरस अफीम कोई भी सिंथेटिक ड्रग अब मैं कहीं ये नहीं बताता हूं किसके सेवन करने से आपके स्वास्थ्य की हानि होगी संपत्ति की हानि होगी पारिवारिक जीवन बिखर जाएगा प्रतिष्ठा की हानि होगी इतनी बात तो सबको पता है अनपढ़ को भी पढ़े लिखे को भी अब मैं जो बात बताना चाहता हूं आपको बता सकता हूं आप समझ सकते हैं कि दो जो सटल मशीन सूक्ष्म मशीन हमारे अंदर फिट है एक का नाम मन एक का नाम बुद्धि ठीक है मन का काम सारे इमोशंस के लेयर इस मन में रहते हैं और पॉजिटिव चाहे निगेटिव अब मन का सबसे बड़ा फंक्शन है डिजायर करना ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 साइकिल से अब कार चाहिए कार से अब हवाई जहाज चाहिए हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर चाहिए बहुत तरह के मन का काम है अनंत इच्छाएं एक इच्छा पूरी हुई दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी इसका कोई अंत ही नहीं ये मन का चरित्र ही है मन का कैरेक्टर ही है मन का गुण ही है इंटेलेक्ट का काम है रीजन करना डिसीजन जजमेंट करना और डिसीजन लेना ये बुद्धि का काम है मन का समझ में गया ना बुद्धि का काम है तौल करके डिसीजन लेना निर्णय लेना मैंने बुद्धि मन के ऊपर ब्रेक है इतना बात समझ गया आप बताओ अगर ब्रेक गाड़ी में फेल हो तब गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है तब भी खत्म और गाड़ी में ब्रेक है अब ब्रेक अगर फेल है तो हम लोगों को अपने इस इंटेलेक्ट को तेल पानी दे करके एकदम फिट रखना है और सत्संग यहाँ मंदिर में आना लोगों के साथ बैठना आपस में विचार करना पूजा करना साधना करना और कुछ नहीं है ब्रेक में तेल पानी देने की तरह है ये ब्रेक में शास्त्र पढ़ो सत्संग करो अच्छे लोगों के साथ रहो अच्छी कंपनी में रहो अच्छे बात सोचो अच्छा सकारात्मक विचार रखो यही है बुद्धि का खाद पानी अगर आजकल इंटरनेट का जमाना है इंटरनेट पर 14-15 साल के बच्चे पोर्न साइट देख रहे हैं आज समाज की चेतना में जो गिरावट आई है बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं ऐसी चीजें जो उनको नहीं देखनी चाहिए और जिस उम्र में नहीं देखनी चाहिए और किसी उम्र में नहीं देखनी चाहिए वो देख रहे हैं अब उनके मन पर इसका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है और मन इतना मजबूत होता जा रहा है बुद्धि उसको गवर्न करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बुद्धि उतनी सशक्त हुई नहीं बुद्धि को उतनी खुराक दी ही नहीं जा रही है आजकल वो परिवार से नहीं मिल रहा है स्कूल से भी नहीं मिल रहा है शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा सत्संग कोई कर नहीं रहा ध्यान कोई कर नहीं रहा तो ब्रेक फेल है तो मन समझ गए ना अब बुद्धि का काम है केवल मन को गवर्न करना जजमेंट लेना अब चित्त भी समझ जाओ एक लाइन में समझा दें क्या ये स्टोर रूम की तरह है जैसे कंप्यूटर में 1000 GB का 500 GB का फोन भी
सौ जीबी का, 50 जीबी का, 150 जीबी का, ये सब होता है ना। चित भी है एक, समझो पेन ड्राइव की तरह, जिसमें अनलिमिटेड मेमोरी है, कितना करोड़ जीबी का, उसका कोई अंत ही नहीं है। इस चित्त में हमारे कर्मों की स्मृतियां संचित रहती हैं। देखो बड़ी बारीक, अब देखो हंसाते हंसाते बड़ी गहराई में अब चले गए, समझ लोगे जीवन में बहुत लाभ होगा। कर्मों की स्मृतियां हमारे चित्त में संचित होती है, बात समझे? अब यहीं रुको, हम भूलेंगे तो याद दिलाना कि हम चित्त की बात कर रहे हैं। हमारे संस्कार कहां संचित हैं? चित्त में। और संस्कार होते क्या हैं? देखो प्रतिदिन हम हजारों काम करते हैं, अब थोड़ा और बारीक में ले जा रहा हूं, आपको मैंने लगता है तैयार कर लिया है, ठीक है? देखो हम जो कर्म करते हैं उसकी एक स्मृति बनती है, ठीक है? अब कर्म क्या है? बोला वो भी कर्म है, किया वो भी कर्म है, और कर्म की सूक्ष्म परिभाषा यह कि सोचा वो भी कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, पाप नहीं करना चाहिए, बात समझ गए? शास्त्रों का कहना है, मतलब मन से भी जो सोचा वो कर्म है, स्मृति उसकी भी बनेगी। डीजीपी साहब की हत्या करने का आपने विचार कर लिया तो एक कर्म का संपादन हो गया, वो कर्म बाह्य जगत में व्यक्त नहीं हुआ, वो अलग चीज है, लेकिन उसकी स्मृति आपके चित्त में एक बन गई कि आपके आपके मन में कभी डीजीपी साहब की हत्या करने का विचार भी आया था। आपने किसी मां बहन के साथ बलात्कार नहीं किया, लेकिन बलात्कार करने का विचार आ गया, वो भी पाप है, क्योंकि उसकी भी स्मृति आपके चित्त में संचित हो गई, बात आप समझ रहे हैं? सोचा वो भी कर्म, बोला वो भी कर्म, जो किया इंद्रियों से वो भी कर्म, ये सब मिलाकर कितने कर्म एक दिन में हो गए? हजारों। विचार भी जो चल रहा है वो भी कर्म है, अब बोलो कितने कर्म हो गए? हजारों, क्या लाखों। तो एक दिन में जितने हमने कर्म किए, अब सोचो एक महीना में जोड़ोगे तो कितने कर्म हो गए, कितने विचार आए गए होंगे। तो एक साल में कितने हमने विचार किए, कर्म किए, तो 100 साल भी अगर ये शरीर रहा तो 100 साल में कितने कर्म किए, मनसा वाचा कर्मणा, हाँ? फिर पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, करोड़ों जन्मों में हमने कितने कर्म किए, क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला, क्या क्या किया, ये सब कर्म हैं, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों में जितने हमने कर्म किए, सबकी स्मृति कहां संचित है? चित्त में। अब देखो बारीकी ये है कि हमने तमोगुणी कर्म भी किए हैं, रजोगुणी कर्म भी किए हैं, और सतोगुणी कर्म भी किए हैं। मैंने खराब बात भी सोची है, अच्छी बात भी सोची है, खराब बात भी बोली है, अच्छी बात भी बोली है, खराब काम किया है और अच्छा, तो सबकी स्मृति हमारे चित्त में संचित है। तो स्मृतियों का पहाड़ हो जाएगा कि नहीं, बोलो? अब कितना ऊंचा पहाड़ होगा ये कल्पना के बाहर है। तो तमोगुणी स्मृतियों का भी पहाड़ है, रजोगुणी स्मृतियों का भी पहाड़ है, और सतोगुणी स्मृतियों का भी पहाड़ ये चित्त में। तो चित्त में जो स्मृतियों का पहाड़ ये संचित है, स्मृतियों के संचित इसी पहाड़ का नाम संस्कार है। चित्त में जो स्मृतियां संचित है ना, उन्हीं स्मृतियों का नाम क्या है? अब एक बात और बारीकी समझ लो, इसका क्या मतलब क्या है, क्या लेना देना अपने को भाई कि हम पिछले जन्म में क्या किए, अब उसके पिछले जन्म में क्या किए, अरे जो किए खत्म हो गया, नहीं, कुछ खत्म नहीं होता। हजारों नहीं करोड़ों जन्मों के पहले आपने कुछ किया है, कुछ खत्म नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम, सुना है? जो भी आपने अच्छा किया है या बुरा किया है उसका फल प्रकृति के नियम है कि आपको भोगना ही है, अच्छे का भी कर्म का भी फल, और कुछ खत्म नहीं होता, स्मृतियां उसमें संचित हैं बीज रूप में। ये संस्कार इन्हीं को कहते हैं। इस संस्कार का मतलब क्या है और कैसे हमारे जीवन को ये संस्कार प्रभावित करते हैं,
जो हमारे मन में विचारों का सृजन जन्म होता है, जो विचार आते हैं, ये संस्कार ही विचारों के जनक हैं। इन संस्कारों के कारण ही हमारे विचार आते हैं। तमोगुणी संस्कारों का संग्रह है, तमोगुणी विचार आएंगे। रजोगुणी संस्कारों का बाहुल्य है तो रजोगुणी विचार आएंगे। सतोगुणी संस्कारों का पहाड़ बड़ा है तो सतोगुणी विचार आएंगे। तो संस्कारों से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार ही जब अनुकूल परिस्थितियों से संकल्प के रूप में बदलते हैं तो फिर कर्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो फिर कर्म हुआ, कर्म से फिर उसकी स्मृति बनी, स्मृति से फिर संस्कार बना, संस्कार से फिर विचार उत्पन्न हुआ, विचार से फिर कर्म हुआ, कर्म से फिर स्मृति बनी। तो स्मृति, संस्कार, विचार, कर्म, फिर स्मृति, फिर संस्कार, ये चक्र चलता रहता है। समझ गया? तो ये सब जन्मों जन्मों में जो हमने अच्छे बुरे काम किए हैं हमारे चित्त में संचित है। तो चित्त स्टोर हाउस की तरह है जिसमें स्मृतियां संचित रहती हैं। चित्त समझ गए? अहंकार समझने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अस्तित्व का भान होना, वही अहंकार है। ये घमंड के अर्थ में नहीं, इसका नहीं है। तो मन समझ गए क्या है? मन का काम डिजायर करना है। मन में इमोशंस रहते हैं, हर तरह के पॉजिटिव निगेटिव। बुद्धि एक ऐसा टूल है जिससे मन को नियंत्रित किया जाता है, और मन को नियंत्रित करने का टूल बुद्धि है, और जो हम कर्म करते हैं उसकी स्मृति चित्त में संचित होती है। तो चित्त आप समझ गए? तो व्यक्तित्व जब कहते हैं कि हमको पर्सनालिटी डेवलप करना है, उसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी जिस हद तक, जितना डिग्री तक मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम है, बुद्धि से निर्णय लेता है, वो आदमी उतना ही बड़ा है। समझे? यही कला सीखनी है, सिर्फ इतनी ही कला सीखनी है जीवन में। बस और मन जो करेगा वो नहीं कर सकते। दूसरी की बीवी अच्छी लगती है तो आपकी बीवी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल बात में समझने की कोशिश करो। करोड़पति को देख करके लगता है कि पूरा ये धन हमको हो जाए। किसी को बंगले में देखते हो तो समझ हमारा हो जाए। किसी को मर्सिडीज पे चलते देखते हो तो लगता है कि हमारा हो जाए। नहीं, अपने अपने कर्म के फल को सब लोग भोग रहे हैं। बात को समझने की जरूरत है। मन को कभी निगेटिव विचार की तरफ लेते जाना ही नहीं है, हमेशा सकारात्मक दिशा में रखना है। और ऐसे सत्संग का, ऐसे जगह पाने का यही लाभ है कि बार बार अगर इसको, मन को बार बार, रोज समय मिले तो रोज सत्संग करना चाहिए, साथ चिंतन करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि मन को थोड़ा अगर छूट दिए आप, शराबी कोई कैसे बनता है? मैं ड्रग की बात कर रहा था, शरीर की हानि, स्वास्थ्य की हानि, अरे छोड़ो ना, प्रतिष्ठा की हानि, ये तो सबको पता है। सबसे बड़ी हानि है नशा का सेवन करने का, शराब का सेवन करने का, कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म मशीन है जिसका नाम इंटेलेक्ट है, जिसका नाम बुद्धि है, इस बुद्धि को धीरे धीरे कुंठित करता है नशा, अंत में भ्रष्ट करता है और बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब बुद्धि को खत्म कर देगा, विवेक को भ्रष्ट कर देगा, इंटेलेक्ट खत्म। और इंटेलेक्ट जैसे खत्म हुआ तो आदमी और पशु में क्या फर्क है? पागल और सामान्य आदमी में क्या फर्क है? उसको भी दो हाथ है, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, देखने में तो जब तक बात नहीं करेगा नॉर्मल लगेगा। लेकिन एक चीज उसकी, एक फैकल्टी ने काम करना बंद कर दिया, बुद्धि ने, तो आदमी वो आदमी है क्या? वो तो छलांग लगा सकता है, ट्रेन के आगे आ जाएगा, छत से कूद जाएगा, आग में कूद सकता है, उठ के हाथ में चाकू हो पत्नी का गला काट सकता है, बेटे का गला काट सकता है, आपका गला काट सकता है, अपना भी गला काट सकता है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फैकल्टी ने काम करना बंद कर दिया है, एक स्क्रू ढीला हो गया, आदमी जानवर की तरह हो गया। और जानवर और आदमी में यही फर्क है। दो तीन तरह के लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में, प्लांट, एनिमल और मनुष्य। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में समान है। भोजन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, कोई फर्क नहीं है। भोजन के प्रकार में फर्क हो सकता है। निद्रा, पशु वृक्ष भी सोते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। पशु पक्षी चिड़िया भी घोंसले में अपने हिसाब से सोते हैं, सोने का तरीका अलग हो सकता है। तो आहार, निद्रा, भय, प्राणों का चींटी को देकर के और
मनुष्य तक सबको समान रूप से मृत्यु का भय सब में व्यक्त, बिच्छू मच्छर भी नहीं मरना चाहेगा, आहार निद्रा भय सब में समान रूप से, मैथुन मैंने संतान उत्पन्न करना, कीड़े मकोड़े जानवर पशु मनुष्य सब उत्पन्न करते हैं, तो आहार निद्रा भय मैथुन सब में समान रूप से है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि एक चीज 84 लाख जोनियों में सिर्फ एक चीज वो मनुष्य के पास है जिसका नाम है विवेक, बुद्धि, इंटेलेक्ट। पशु पक्षियों में भी है लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में, अपने प्राणों की रक्षा का जत्न कर सकता है, पुत्र माने संतान उत्पन्न कर सकता है और अपने भोजन की व्यवस्था के लिए कोशिश कर सकता है, इसके बियॉन्ड में इससे ज्यादा वो बुद्धि नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा टूल है कि इस बुद्धि को सही रखें, तेल पानी दे करके ठीक से रखें, इस बुद्धि को सूक्ष्म करने का अभ्यास साधना से किया जाता है, मेडिटेशन से किया जाता है, विभिन्न पद्धतियां हैं। गायत्री परिवार भी को समझना हो तो इस बात को समझना हो, उसी में मेडिटेशन साधना है। तो ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब। ये हुआ शराब पीने से, मैं बोल रहा शराब पीने से ये बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो गया तो आदमी का जीवन पशुवत हो गया। इसलिए शराब या नशा का सेवन करना अपनी जिंदगानी को, अपने इस जीवन को बर्बाद करना, ये बात समझे, ये बात में इसलिए मेरे हृदय के बहुत करीब है विषय, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ। अब गायत्री के बारे में एक ऐसी बात मैं बताता हूँ जो गायत्री परिवार में आपको नहीं बताई होगी, गई होगी, वो आपके स्तर की चीज भी नहीं है, लेकिन मैं एक संकेत कर देता हूँ। देखिए ये चित्त शोधन का मंत्र है, गायत्री क्या है? चित्त शोधन का मंत्र। आप गायत्री का उच्चारण करते हैं ना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर भर्गो देवस धियो यो न, बुद्धि को प्रखर करने का। इसको हम लोग जो साधक लोग हैं आपस में कहते हैं चित्त शोधन का मंत्र है। चित्त में संस्कार हमारे जो पूर्व जन्मों के पड़े हुए हैं या इस जन्म में हमने जितने पाप किए हैं, किसी का हित किया, किसी को गाली दिया, किसी का दिल दुखाया, जो भी हमसे तमोगुणी रजोगुणी कर्म हुए हैं, तो कर्म जब तक हमारे चित्त में संचित हैं तो हमारे अंदर से उस तरह के विचारों को जन्म देंगे। लेकिन बुद्धि हमारी प्रखर रहे और हम सारे नकारात्मक विचारों को किनारे करते करते सकारात्मक विचार की धारा में अपने कर्मों का, सतोगुणी कर्मों का संपादन करते चलें, इसके लिए अपनी इंटेलेक्ट को मजबूत करने के लिए क्या है, ये गायत्री मंत्र है, चित्त शोधन का मंत्र। ये सारे पुराने संस्कारों को, जैसे पुआल में आग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह जितने आपके रजोगुणी और जितने आपके तमोगुणी संस्कार चित्त में संचित हैं, सारे रजोगुणी तमोगुणी, जैसे गायत्री की साधना आपने शुरू कर दी, इसका मतलब कि आपने तिल्ली लगा दिया अपने रजोगुणी और तमोगुणी संस्कारों के पहाड़ में, आपने माचिस की तिल्ली लगा दी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे 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 आपके रजोगुणी और तमोगुणी संस्कारों का क्षय होता जाएगा, आप में देवत्व प्रकट होता जाएगा, भगवत्ता प्रकट होती जाएगी, बुद्धि प्रखर होती जाएगी और दिव्य सतोगुणी स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये बहुत ऊपर की बात है, मैं एक बात प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ जो किताबों में लिखी नहीं बोली। आदमी में कितनी कला होती है जानते हो? कला ऊर्जा की माप की एक इकाई है, तो शास्त्रों में इसका प्रयोग होता है। जैसे सुने हैं ना, कृष्ण इतनी कला के थे, राम इतनी कला के थे, सुना होगा कुछ? ये कुछ भारी हो रहा है क्या? तो जैसे आदमी में 3.5 कला, आप समझ रहे हैं, 3.5 कला का पूर्ण मनुष्य होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं। अब क्या है कि 3.5 कला का जो आदमी होगा
अब उसमें देश के दुनिया के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो भौतिक जगत में बहुत सफल, चाहे वो साइंटिस्ट रहे हों, वैज्ञानिक रहे हों, राजनेता रहे हों, ये आध्यात्मिक संतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भौतिक जगत में ऊंची भौतिक ऊंची बहुत ऊंची ऊंचाई पर उपलब्धि उन्हें प्राप्त की हो, वो सब इसी 3.5 कला के अंदर हैं। बात समझ में आई? उससे कम कला होगी तो थोड़ा और मंद बुद्धि होगी, उससे कम कला, 3 कला से नीचे आदमी होगा तो विकलांग हो जाएगा, फिर स्वस्थ मनुष्य नहीं होगा। 3.5 कला होगा, बहुत विकलांग लोग पैदा होते हैं ना, तो 3.5 कला का होगा तो विकलांग होगा, उससे नीचे हो जाएगा तो वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, पत्थर में, आप समझ रहे हैं ना। 3.5 कला होना जरूरी है। गायत्री की 25 करोड़ की साधना, उसके पद्धत से अगर कोई करे नियमानुसार, तो आदमी में 1 कला विकसित होती है। आप बात समझ रहे हैं? 3 कला से 3.5 कला के अंदर ही हम सब हैं। अब गांव में एक अनपढ़ आदमी जो हलवा है, जो खेत जोतता है, और आइंस्टीन जैसा प्रखर प्रज्ञा वाला आदमी, आइंस्टीन का नाम सुना है ना, दोनों के बीच में सिर्फ 0.5 कला का फर्क है और कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? 25 करोड़ गायत्री के अनुष्ठान से आदमी में 1 कला का विकास होता है। तो हम 3 कला से कम तो जितने बैठे हैं कोई नहीं है, 3.5 कला होते तो लूले लंगड़े होते। 25 करोड़ गायत्री के नियम पूर्वक शास्त्र के विधान के अनुसार अनुष्ठान से 1 कला विकसित होती है, मतलब हम 4 कला का विकास हो जाएगा, 4 कला के हो जाएंगे। 25 करोड़ का और अनुष्ठान करेंगे विधि पूर्वक उसके नियम के अनुसार तो 5 कला, और 25 करोड़ का और अनुष्ठान करेंगे तो 6 कला का आदमी करोड़ों में खड़ा होगा तो दूर से पहचान में आएगा। रजोगुणी तमोगुणी लोगों को नहीं पढ़ना। साधक उसको पहचान लेगा। 6 कला के बाद आदमी में देवत्व आ जाता है, उसको वाक सिद्धि हो जाती है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने की उसमें क्षमता आ जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, कौन मंत्र? महामंत्र, वेद माता गायत्री। तो ये अलग विषय है, इस पर कभी ये सार्वजनिक समूह में इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए, इसको आप रिकॉर्डिंग से भी हटा दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आज से अपील करके जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी दिव्य आत्माएं इतने नौजवान पटना से हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमने जरूर अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ, इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, एक ही इस जन्म में अच्छा काम किया है कि बीबी की 1000 गालियों के बाद मैंने उसको जवाब नहीं दिया है। मातृशक्ति का यही सम्मान मैंने किया है, ये भी पुण्य ही होगा। मैं विनोद में कह रहा था, लेकिन मैं एक गंभीर बात कह रहा हूं कि मैं जरूर पूर्व जन्म के कुछ संचित पुण्य ही होंगे कि आप जैसे दिव्य नौजवानों से मेरी आज मुलाकात हुई है। और मैं आशावादी हूं, कभी हताश नहीं होता। मैं बहुत सारी आध्यात्मिक बात नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बात, जीवन को कैसे जिए, कैसे देखें, चुनौतियां कैसे कैसे जीवन में आती हैं, कैसे उनको निपटना जाता है, और किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जिंदा रखा जाता है, सकारात्मक धारा को ऊर्जा जिंदा रखा जाता है। ये सब बातें जब मौका मिलेगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है और मेरी उम्मीद इतनी बढ़ गई है, इतने दिव्य नौजवान अगर हमारे साथ हों तो पटना का पूरे बिहार को बदला जा सकता है, पूरे बिहार को बदला जा सकता है। मनीष जी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी आपके अंदर स्थित उस ब्रह्म को, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, और मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप खोजेंगे समय निकाल करके मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। मेरा आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।